किए हैं, म्यूजिक दिए हैं, ऐसा जरिए दिए आपके छिंदवाड़ा के आसपास के हैं और रवि फिलहाल बन्ना में बड़ी खूबसूरत सॉन्ग को आकृति मेहरा ने गाया है और जो वीडियो का पूरा डायरेक्शन है ये अनुषा जी के माध्यम से किया गया, अनुषा तोलानी। आप सभी का स्वागत है और सबसे जरूरी बात कहना चाहूँगा कि मेरी जिंदगी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, मतलब जब तक हम उसकी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक हम उसकी पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए। इस विषय को लेकर मैंने एक कहानी लिखी जिसमें मैंने दिखाया कि कैसे एक बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है। यदि वो मान लो बच भी गई तो उसको हमेशा एक दूसरे दर्जे में ही रखा जाता है, मतलब यदि भाई है तो भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। यदि हायर एजुकेशन की बात हम करें तो यदि भाई की पढ़ाई बेटे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा तो लोग बच जा सकेंगे, क्या करेंगे, भाई शादी को करना है, भाई जी को देना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोगों से मैंने प्रैक्टिकल बात की, स्टूडियो बनाए, पहले गाना बनाए, जब वो गाना बना तो गाना इतना अच्छा बन गया था कि मैं जब भी इस फिल्म को नोटिस करूँगा तो मैं आकृति शर्मा को ही लेके जाऊँगा। इसमें हमारे आसिफ भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत मदद की, कमाना गया सपने के जो मालिक हैं उन्होंने, निकिता शर्मा जी इसमें उन्होंने माती हूँ कहीं भाई, और मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी ये फिल्म आएगी वो हर लोग की जिंदगी खोलेगी, उस हर बात हर पुरा की जो भी खेती जितनी होती है उस हर एक बेटी की जो भी खेती जो कि सारी जो साथ में हो रही है। कंप्लीट 6 मिनट की फिल्म है लेकिन कितना बड़ा मैसेज छोड़ के जाएगी कि अब सभी शायद देश में उसको याद रहेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, हमारा समाज सेवा का जो अर्थ को उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस फिल्म के गाने के बारे में, गाने में किस तरह से एक भावना लोगों से जुड़े हैं वो आकृति आपको बताएंगे, और इसकी टेक्निकल चीज़ें जो थी मतलब और शूटिंग में क्या क्या दिक्कतें आई, हमने मुंबई में शूटिंग की, भोपाल में दो या तीन बार भोपाल में शूटिंग की छोटे छोटे पार्ट्स को, तो ये अनुषा जी से अनुरोध करूँगी शूटिंग के बारे में थोड़ा सा सर में बताएं। आप सभी को मैं नमस्कार। जब मुझे सर ने शूट के बारे में बताया था सॉन्ग के बारे में, तब पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि इस तरह के गाने, इस तरह की सोच आज के ज़माने में होती है नहीं होती है, तो मैंने थोड़ा वो रिसर्च किया और मैंने सच में ये पाया कि आज भी कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लड़कियों को लेकर के थोड़ा सा बायस्ड हैं। इनफैक्ट कई अच्छी अच्छी फैमिलीज ऐसी हैं, सिर्फ गांव की बात नहीं हो रही है, आज शहरों में भी कई सी जगह हैं जहाँ पर यूजली फादर या मदर कोई भी ऐसा चाहते हैं कि मुझे बेटा हो। और जहाँ तक हमने जब शूट करना स्टार्ट किया था तो सब एक्टर्स के मन में ये था कि ये चीज़ नहीं होती है यूजली, बट हम उसको दिखाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि आज भी ऐसा कहीं ना कहीं है। और हमने पूरा लाइक एक दिन मुंबई में शूट किया था, ऑलमोस्ट 15 आवर्स का शूट था हमारा नॉन स्टॉप। से हूँ बुंदेली घंटी से मुझे प्यार है, छुपा से मुझे प्यार है, तो मैं इस गाने में बुंदेली घंटी बैठ भी गया हूँ, बाबू समझो दर्द बिटिया को, लेकिन उस गाने में जो फीलिंग्स में जान जो डाली है वो आकृति मेहरा जी ने डाली है, और बड़ी सिंगर है उनकी लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब में बहुत नाम है और बॉलीवुड में भी बहुत नाम है, बहुत सारे अवार्ड से मिल चुके हैं, देश विदेश में 300 से ज़्यादा शो कर चुकी हैं, और इस गाने इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी कोई खूबसूरती है तो इनकी आवाज़ में गाया गया मधुर गीत है, तो मैं आकृति से अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में बताएँ। सभी को मेरा नमस्कार। इस गाने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अभी उन्होंने मुझे बताया कि ये गाना है, इसके लिए बोल है, ऐसे भी है, तो मुझे सबसे पहले सुन के अच्छा लगा कि इस कंसेप्ट पे कोई चीज़ आ रही है नेचुरली, तो मैंने इसे सीखा, फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके मैंने कोशिश की कि वो इमोशन वो फील के साथ मैं गा सकूँ। तो ये जो कनेक्शन है ये कोई 3G 4G कनेक्शन नहीं है, हर्ट से हर्ट का जो कनेक्शन होता है बाबू जी का, ये अपने आप में बहुत है, हमने इस सत्य घटना को भी इस फिल्म में डाला है, और चाहे कैसे भी हो परिवार कैसे भी हो, लेकिन माँ बेटी और पिता पुत्री का जो रिश्ता होता है बहुत ही अनमोल होता है, और बेटी भी आधारित है, इसलिए बोले हमने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आपको प्राथमिक करने को, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उस एक्ट्रेस को मेरे साथ में काम करने के लिए भेजा, और कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी फिल्म है, और जो हम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल कमलनाथ जी हमारे जो सामाजिक प्रोग्राम में आ रहे हैं 2:30 बजे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि
इसका टीजर और पोस्टर कल हम उनसे लॉन्च कराएं, तो ये कल यूट्यूब में इसका टीजर अवेलेबल हो जाएगा। और मेरी क्वाइंस ये है कि मैं एक बार पीएम साहब को इसको दिखा पाऊँ, उसके बाद में फिर इसको लॉन्च करूँ। तो मैं आप सब लोगों से इतना ही अनुरोध करूँगा कि एक मिशन है, ये कोई मेरा अकेले का मिशन नहीं है कि बेटी के लिए हम भी यदि जो भी कर सकते हैं, आप भी जो भी कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। बस ये सब समाज तक पहुँचे, लाखों लोगों तक पहुँचे, बस मेरे इतना ही मेरा प्रयास है। यदि ये हो जाता तो मेरा प्रयास में मैं अपने आप को सफल समझूंगा। शाम को ऑफिस से आता है तो सीधा वो जिम में भागता है, टेनिस लेके भागता है। सोचिए इस पर मैं एक फिल्म बनाना चाहती हूँ, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, छिंदवाड़ा के मैंने जैसे आपने क्वेश्चन किया, मैं चाहता हूँ कि SMW फिल्म प्रोड्यूसर एक ऐसा मंच बने जिसमें छिंदवाड़ा के जो भी
उभरते कलाकार हैं, चाहे वो गीतकार हों, चाहे संगीतकार हों, चाहे गायक हों, मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं मेरा मेरा नंबर उसमें है और अभी भी मेरे पास में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कई जगह से मेरे पास फ़ोन आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं लोग कि हमको सिंगर बनने के लिए क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि मैं इस फील्ड में कुछ कर पाया, लोगों की मदद कर पाया, हमारी प्रतिभाओं जो छिंदवाड़ा में उसको मैं आगे बढ़ा पाया, तो ये छिंदवाड़ा के लिए मेरा विकल्प था वो जरूर पूरा होगा। काम किया जाना है और कला लाइन की खास इसको लॉन्च किया जाना है इस लाइन को। तो ये भी आप मीडिया अगर करा सकते हैं तो मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से सारे लोगों से आए उसमें और इस बात को भी समझ पाए। ग्यारह बजे छोटी बच्चियों को जो स्टार्टिंग में ही लोग बोलते हैं कि बेटी नहीं चाहिए और फिर जब बेटी हो जाती है तो उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो हमने उन उन छोटी छोटी चीज़ों को कलैच करके हमने एक सॉन्ग बनाया है जिसको मैंने शूट किया है एज अ डायरेक्टर। और मैं चाहती हूँ आप सब वीडियो को देखें और वो जाने कि एक छोटी बच्ची के मन में क्या बीतती है जो उसके खुद के पिता उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको अपने लाइक भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हमने उन छोटी चीज़ों को उसमें गाने में दिखाया है और एक अलग ही फील है गाने का, आज के ट्रेंड से थोड़ा हटके है, तो आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके बाद में इसको लाइक।